हे गाइस, आज के हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो हमें एटलीस्ट इतनी जानकारी तो होनी चाहिए जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है 24 जनवरी 1950 की हुई। राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगर पूछा जाए कि लखनऊ का गठन कब हुआ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में कब बनी, तो ये भी 24 जनवरी 1950 को बनी। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा दो उप मुख्यमंत्री के रूप में हैं। राज्य वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1 फरवरी को इंडिया का जो बजट आया इसके बाद यूपी का बजट भी आया जिसे राज्य के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने पेश किया। यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। यूपी की जनसंख्या 19,95,470। ये जो हमारे दोनों डेटा हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। राज्यपाल राम नाईक, उच्च न्यायालय यूपी का इलाहाबाद जो कि अब प्रयाग कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 30, विधानसभा की सीटें 404 जिसमें से 403 विधानसभा की सीटें और प्लस एक जो कि अंग भारतीय सदस्य होता है। विधान परिषद की सीटों की संख्या 100। उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी और दूसरी उर्दू। इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो अगले वीडियो में आएंगे, तो तब तक के लिए मेरे वीडियो अगर आपको थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।